मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। इतने दिनों के अवधि में जो सत्र चला, उस सत्र के अवधि में जितने विधेयक पारित हुए, इसके पहले उस ढंग से विधेयक पारित कभी नहीं हुए थे। ये कीर्तिमान भारतीय संसद ने इस बार के जो संसदीय कार्य था, जो सत्र था, उसमें प्राप्त किया। जनजातीय क्षेत्रों में राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार 462 नए एकलव्य विद्यालय खोलेगी, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों का चयन किया जाएगा। नवोदय के पैटर्न पर एकलव्य विद्यालय संगठन के माध्यम से हम केंद्रीय व्यवस्था में राज्यों के साथ मिलकर के यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ट्राइबल का कम समय में एजुकेशन लिटरेसी और वहाँ के जिसे कहा जाए गुणवत्ता को उभारे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे और अच्छे विद्यार्थियों की एक श्रृंखला ग्रामीण क्षेत्रों में बने। मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल के ऐतिहासिक फैसले पर पीठ थपथपाते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार वन धन योजना के माध्यम से ट्राइबल क्षेत्र के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाएगी। मोदी सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल को, अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए जनता के बीच में पहुंच रही है और यही वजह रहा है कि झारखंड में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साथ में यह भी बताया कि जो 35 विधेयक पारित किए गए इस बार, उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण रहे, जिसको सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली, वो धारा 370, 35 ए और इसके साथ ही 3 तलाक। जाहिर सी बात है, अभी पूरा 5 साल का कार्यकाल मोदी के लिए बचा हुआ है। अब वो और क्या सौगात लेकर जनता के बीच में पहुंचते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV रांची।